सारा वार्ड को हम भर देंगे, हम एक वोट भी किसी अन्य पार्टी को नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालिका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्मालखा के वार्ड नंबर 14 से, जहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार अशोक कुचल के द्वारा चुनाव अभियान तेज कर दिया गया है। डोर टू डोर देख पा रहे हैं कि कैंपेन शुरू कर दिया गया है, हर गली और हर वार्ड में ये लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, युवा जो हैं कॉलोनियों के वार्डों के तमाम युवाओं से अलग अलग वार्डों में जाकर के वोट मांगने की अपील की जा रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि असल जो चुनाव है वो 12 तारीख के बाद से उठना लगेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तमाम पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो सभी नेता, सभी पार्टी के पदाधिकारी राज्यसभा चुनाव के अंदर बिजी हैं। और उसी के चलते दो दिन और थोड़ा सा ठंडा रहेगा स्मालखा नगर पालिका का चुनाव, लेकिन 12 तारीख से और 17 तारीख यानी 5 दिन ये अभियान और तेज होने वाला है। और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुचल, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अशोक जी, कैसा चुनाव प्रचार आपका चल रहा है और कैसे कहां कहां आप वोट मांग रहे हो? हमारे भाजपा की आंधी आंधी है, और खासकर इस 8 वार्ड में, मैं जिस घर भी सा रहा हूं, 14 वार्ड में अपने में, सॉरी 8 में जाऊंगा, जितनी आंधी यहां पे है ना, वोटर बट गदगद खुश है, बहुत खुश है। नरेंद्र शर्मा जी हमारे पार्षद जो है, इनके लिए हर किसी के मन में खुशहाली है, ये सारे राजपाट को बदल के देना चाहते हैं। आपके पास 16 वार्ड में भी लाइन पार हम लोग गए थे, वहां पे भी मैं गया था, माननीय हमारे इंद्री से चल के मंत्री जी भी आए थे, हम भी थे, डॉक्टर, मतलब कहने का कि हर जगह जहां भी आप देखोगे भाजपा की आंधी है। ये माना जा रहा है कि 12 तारीख के बाद जो है आपका प्रचार और पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बिजी थे। आज राज्यसभा की शपथ वगैरह काम वगैरह हो गया, इसके बाद सारे मंत्री फारिग हो जाएंगे, सारा वार्ड को हम भर देंगे, हम एक वोट भी किसी अन्य पार्टी को नहीं लेने देंगे, ये हमारी जिद है। और आपके जिले के आसपास के पानीपत से लोग पहुंचे हैं, पार्षद पहुंचे हैं, मेयर भी बताया जा रहा है कि मेयर पहुंचने वाले हैं। ईमानदारी से, तय दिल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब की बार भाजपा को इतने बहुमत से हमने शिखर पे लेके जाना है कि अब तक ऐसा किसी वार्ड में हुआ ही नहीं। इससे फाइट मानते हैं? है ही नहीं, फाइट तो मानता ही नहीं किसी से, फिर भी 2 नंबर 3 नंबर दुखे तिक्के आते हैं, कोई अपने हिस्से की 100 50 200 ऐसे, बिना टिकट वाला जिस पार्टी को टिकट है, टिकट सिर्फ भाजपा को है, पार्षदों को, चेयरमैन हम भाजपा के है, सिर्फ फाइट हमारे किसी से नहीं है, कोई कहीं मिलेगा बनने, मान लो बाई दावे बनता नहीं कोई भी, किसी को बंबई ढूंढोगे, किसी को गुड़गांव ढूंढोगे, कोई पानीपत बिजनेस कर रहा है, कोई दिल्ली, हम तो यहाँ के जमीन से जुड़े इंसान है भाई, और जमीन से जुड़े इंसान है, जमीन से, कोई पैसे की भूख के लिए नहीं आए, हम जन सेवा के लिए आए, हमारे भाई साहब करोड़ों रुपए के इंसान है, इनको पैसे पूसे की भूख नहीं है। जो प्रत्याशी पार्टी से टिकट चाहते थे, दूसरी पार्टी ने उसको सहारा दिया, क्या लगता है आपके चुनाव पे कुछ असर पड़ने वाला उनकी वजह से? देखो ये राजनीति है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, सारा कोई कितना दे ले, कोई असर नहीं। गुरु जी आ जाओ, पार्षद आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे जय भान जी मास्टर जी हैं, इनकी खुशी आप अंदाजा लगा कि वार्ड कितना खुश है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, नाम बता दीजिए और वार्ड बता दीजिए अपना। मेरा नाम आज्ञापति। क्या लग रहा है आपके यहाँ पे, क्या माहौल है? ठीक है जी, माहौल ऐसी बात है। अब प्रत्याशी आपके पास आए और किन की लग रहा है कि भी आपको माहौल ठीक चल रहा है, किन की वोट जी? बराबर की टक्कर है, बराबर की, ये बात पक्की है। चेयरमैन के लिए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुचल, हाँ। और दूसरे नंबर एक और हैं संजय बैनीवाल, मार गोली ना उन नहीं देते हम का टीवी, और ये बीजेपी और जो दूसरे हैं बस इस तरह देंगे चेयरमैन नहीं की तो अशोक कुचल थे। मन बन रहा हमारा और नहीं, हम दें किसी तरह, ना कोई झाड़ू आज, कोई पाड़ू आज, कोई आज। कुचल में कैसा क्या लगा ऐसा? जी हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं बस, ये नालंगा मैं ये खड्डे खदवाई, पाइप दबवाई,
नाश तो यू कर दिया सब तो पहले बारी हम दुखी हैं इस चीज तक कुर्सी जगह जगह गिरवाई हाँ एक भी नहीं गिरन दी पहला 5 साल कति बराबाद गए कति कुए में हम चाहते हैं विकास हो कलोनी का बस। नरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, कैसे लग रहा अभी आप चेयरमैन प्रत्याशी के भी साथ घूम रहे हो और अपनी भी वोट मांग रहे हो, लग रहा कुछ बीजेपी का होल्ड है? पहली बात तो ये है बीजेपी के सामने कोई पार्टी टिकी नहीं पाई जब वो टिकटे ही नहीं दे पाए और हमारी पार्टी ने हमें पार्षदों तक को टिकट दी। बीजेपी की आंधी चली हुई है, वार्ड एक तरफा माहौल है, सर्वसम्मति से बनना था लेकिन एक क्या कोई किसी की खींच की वजह से एक पर्चा भर दे वो कोई कहीं नहीं टिकते, एक तरफा मन बना हुआ जनता का, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना। सहयोग मिल रहा कोई भाजपा पदाधिकारी? बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा, जैसे कल राजीव जैन जी आए, अर्चना गुप्ता जी आए, कल प्रमोद विज जी आएंगे, परसों हमारे सांसद साहब आएंगे, उसके बाद मेयर आएंगी, तो हर रोज का प्रोग्राम है सुबह शाम का, हर रोज कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर का, सांसद लेवल का, पार्टी बहुत जोर शोर से जुटी हुई है और एक तरफा माहौल है शहर में और हमारे वार्ड में तो बिल्कुल एक तरफा माहौल। शुक्रिया, तो तमाम लोगों की राय जानी आपने, चेयरमैन प्रत्याशी की भी और जो वार्ड नंबर 14 से जो प्रत्याशी खड़ी हुई है उनके पति की भी राय ली, तमाम लोगों की वोटर्स की भी राय ली और आप इन तस्वीरों से, इन सुझावों से, इनके बयानों से क्या संबंध रखते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप।